नमस्कार, मैं ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड चिरमिरी के हल्दीबाड़ी स्टेट बैंक के पास जमीन फटने से जहां सड़कों पर और जमीन पर मोटी मोटी दरारें आ गई हैं, वहीं एक मकान भी गिरा है। आपको बता दें कि कोरिया जिले के चिरमिरी जो कि SECL कोयले का उत्खनन करती है, वही हल्दीबाड़ी स्थित शहर में 1 फरवरी की रात लगभग 9 से 10 के बीच जमीन फटने से जहां एक मकान गिर गया, वहीं सड़कों और जमीनों में मोटी मोटी दरारें पड़ गईं और उन दरारों से धुआं निकलने लगा। वहीं समाचार मिलने तक शासन प्रशासन का कोई भी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित नहीं रहे। गौरतलब हो कि साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड चिरमिरी खुली खदान और बंद खदान के माध्यम से कोयले का उत्खनन करती है, साथ ही नीचे कोयले के भंडारण में आग लगे होने के कारण जगह जगह से जहरीले धुएं निकलते रहते हैं। मीडिया में कई बार खबर प्रसारण होने के बाद भी आला अधिकारी किसी भी प्रकार का संज्ञान लेने से अभी भी दरकिनार रहे हैं। आज की हुई इस घटना से जहां जमीन फट गई, वहीं एक मकान भी गिर गया है। हालांकि मकान गिरने से किसी भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह कहा जाता है चिरमिरी अंगारों पर बसा हुआ एक शहर है जहाँ कभी भी हादसे हो सकते हैं, किंतु स्थानीय शासन प्रशासन के नुमाइंदे और जनप्रतिनिधि सिर्फ महज खाना पूर्ति कर रहे हैं और शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं।